दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का प्रयागराज की धरती से। जी हां दर्शकों, प्रयागराज की इस धरती पर लगने वाला है कुंभ का मेला और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। साधु संत भी आ चुके हैं, शिविर भी बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन तैयारियां किस तरह से की गई हैं और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अभिलाषा गुप्ता, मेयर प्रयागराज। अभिलाषा जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। अभिलाषा जी, आपके क्षेत्र में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है, अगर बात की जाए आपकी तरफ से तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, जानना चाहूंगा। मेले के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो मेला प्राधिकरण करता है, और मेले के बाहर का जो भी काम रहता है वो नगर निगम का होता है। तो उसमें तमाम तरह की हमने चौड़ीकरण किया है इस बार, और इसमें हमारे शहरवासी बहुत सहयोग किए हैं। सभी सड़कों को चौड़ा किया गया है, सभी चौराहों को बड़ा किया गया है, एक्स्ट्रा चौराहे भी दिए गए हैं। तो काम इतना एयरपोर्ट से लेके आप माँ गंगा के वहाँ तट तक निगम ने काम किया है। तो उसमें सड़कों का चौड़ीकरण है, सड़कों का डिवाइडर बनाया गया है नए तरीके से, और उसमें चौराहे बनाए गए हैं नए तरीके से। पेंट माई सिटी एक बहुत बड़ा काम किया गया है, और उसके तहत हमारी जितनी भी धार्मिक हैं, संस्कृति चीज़ें हैं, वो दीवारों पर उकेरा गया है। ये एक बहुत बड़ा काम है, ये किसी भी देश में इतना बड़ा काम नहीं, किसी भी शहर में इतना बड़ा काम नहीं। दूसरा, चौराहों को बहुत ही मनमोहक बनाया गया है, कि तमाम हमारा कलाकृतियाँ ऐसी लगाई गई हैं कि उसमें जिससे हमारे जो प्रदेश के जो कलाकृतियाँ हैं उसको भी लगाया गया है, साधु संतों को लगाया गया है, जिससे लोगों को देख के आस्था भी बढ़े और कहीं ना कहीं दिखे कि ये प्रयागराज एक नए, जैसे इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ है वैसे इस प्रयागराज का स्वरूप भी बदला है। दूसरी, एक नगर निगम का एक बहुत बड़ा काम हुआ है स्वच्छता के लिए। स्वच्छता की मुहिम पर हमने 2500 आदमी रखे हैं एक्स्ट्रा, जो पूरी 3 शिफ्ट में काम करेंगे, और पूरा माँ गंगा के तक पहुँचने वाले लोगों को स्वच्छता पूरी तरह दी जाए, जिससे 3 शिफ्ट में काम होंगे। शौचालय बड़े पैमाने पे दिया गया है, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं, जिसमें महिलाएं ही सुरक्षा देंगी, महिलाएं ही स्वच्छता देंगी, दोनों काम वो महिलाएं ही करेंगी, ऐसे भी टॉयलेट बना के दिया गया है। महिला पुरुष दोनों टॉयलेट बना के दिया गया है, जगह जगह यूरिनल्स बना के दिए जा रहे हैं, सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी पार्कों में लगभग बेहतरीन काम सौंदर्यीकरण का किया गया है, और खासकर पार्कों में हमने जिम भी दिया है, जिससे जो ओपन जिम के रूप में है तो वो भी बना के दिया गया है। कुछ रोडे हम मॉडल के रूप में दे रहे हैं, जिसमें पाथवे भी है और जिसमें आपका पेडेस्टल का पूरा है, जिसमें डिवाइडर भी है, उसमें पेड़ों का भी है, और इतने खूबसूरत ढंग से बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ा पार्क, आप जानते हैं भरद्वाज मुनि के नाम से ही ये मेला जाना जाता है, भरद्वाज पार्क को बनाया गया है। वो केवल और केवल वो पार्क हमने 4.5 करोड़ से बनवाया है, और उस पार्क को आप उसमें भरद्वाज मुनि की बहुत बड़ी 30 फीट की मूर्ति भी लग रही है, और वो पूरा पार्क कंप्लीट हो गया, सिर्फ मूर्ति का काम अभी चल रहा है। तो लोगों को देखने का एक नया आकर्षण दिया गया है। ग्रीनरी बड़े पैमाने पर कराई जा रही है, चारों तरफ पेड़ों को आप हर चौराहे पे देख सकते हो, हर चौराहों के अंदर देख सकते हो, साइड में देख सकते हैं आप, पूरे काम कराए गए हैं। और स्वच्छता का विशेष ख्याल हमने रखा है, हमारे कहीं भी आप किसी भी सुलभ शौचालय में चले जाएंगे तो वहाँ हर मिनट पे आदमी खड़ा मिलेगा, और कोशिश है कि जो आने वाले जो हमारे पर्व हैं उस पर हम निःशुल्क उसको चलाएं, और कोशिश रहेगी कि कोई भी आए उसको रैन बसेरे के रूप में हम निःशुल्क दे रहे हैं रैन बसेरा। रैन बसेरा हमारा स्थाई भी है, अस्थाई रैन बसेरा भी है, और सभी आने वालों को हम प्रॉपर बिस्तर, प्रॉपर कंबल, सभी चीज़ें दे रहे हैं, और कोशिश की गई है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना आए। निगम पूरी ताकत के साथ है, स्वच्छ पानी लोगों को मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, सीवरेज का काम बेहतर रहे, सड़क नाली नालों का काम बेहतर है। तो इस तरह करके पूरा शहर को हमने बिल्कुल चेंज कर दिया है, और वो हो पाया है इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना आर्थिक रूप से सहयोग दिया है। पहले भी हम सब इसी शहर में पैदा हुए हैं, हम जानते हैं मेला इसी समय से होता आया है, मेला बहुत बार हुआ है लेकिन कभी स्थायी निर्माण नहीं हुआ शहर का। हमेशा मेले के एक महीने पहले फंडिंग होती थी, जो भी निर्माण होते थे होके 3 महीने में वो खत्म भी हो जाते थे, लेकिन इस बार स्थायी निर्माण किया गया है, और वो उससे पूरे शहर को बदल डाला गया है।
लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करा गया है, लोगों को सांस्कृतिक रूप से मजबूत किया गया है। माँ गंगा की आस्था है, माँ गंगा का आशीर्वाद है जो हम सब के साथ है, कि हमारी पहचान ही माँ गंगा से है। जिससे कहते हैं गंगा के दर्शन मात्र से मोक्ष है, तो हम सब वैसे ही मोक्ष दायिनी के किनारे पे हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा हम सब आस्था लेके चलते हैं। आने वालों के लिए भी हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का स्टेशन से लेके, हमने वहाँ पर बसें लग गई हैं, हमारी शटल बस लग गई हैं, हमारे ई रिक्शास चल रहे हैं, पूरी कोशिश है, और पर्वों पे निःशुल्क होंगे, तो पूरी निगम की पूरी कोशिश है। हम सब, हमारा पूरा शहर, हमारे शहर के जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, सब पूरी कोशिश के साथ हैं कि कुंभ में आने वाला ये जरूर माने कि ऐसा कुंभ ना कभी देखा है ना कभी देख पाएंगे, जो इस बार हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने करा दिया वो कभी नहीं हो सकता, और उसी से हमारे शहर का जीर्णोद्धार भी हुआ है। सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज कर दिया, और प्रयागराज मतलब तीर्थों का राजा। और इसके साथ ही जब आप इस क्षेत्र में कदम रखेंगे, प्रयागराज में कदम रखेंगे, तो आप जगह जगह देखेंगे पेंटिंग्स आपको बनी हुई मिलेंगी। कहीं आपको गंगा माँ की पेंटिंग मिलेगी, कहीं आपको ऋषियों की पेंटिंग मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस पूरे मेले क्षेत्र को सजाया गया है, शहर को भी, जहाँ शहर है वहां भी, और जहां पर मेला हो रहा है वहां आप आकर देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। अभिलाषा जी, बहुत जगह देखा जा रहा है कि सरकार भी अपनी तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनके बारे में जानना चाहूंगा। सभी जगह जैसे NCZCC है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, उसके द्वारा भी चलो मन गंगा जमुना तीर है उसका कार्यक्रम चलता है। तमाम प्रदेशों से लोग अपनी जो उनकी संस्कृतियां हैं उसके द्वारा वो गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, वो नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, तमाम शहरों से लोग आए हैं। ये कंटिन्यू चलने वाला है, जो 24 घंटे चलेगा कार्यक्रम, और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है और लोगों में जानकारी भी बढ़ती है। तो इस तरह के कार्यक्रम भी बढ़ रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी कराए जा रहे हैं स्वच्छता के ऊपर, प्रयागराज के ऊपर, तमाम तरह के गंगा के ऊपर, गंगा को स्वच्छ रखने के ऊपर भी नुक्कड़ नाटक चलाए जा रहे हैं। इस तरह की चीजों को ज्यादा प्रमुखता से रखा गया है कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी अपने में चलता रहे, लोगों को हम जागरूक करते रहें, और साथ साथ जागरूकता के साथ साथ हमारी जो धरोहर है वो आने वाले हमारे बच्चों के लिए, आने वाले लोगों के लिए हम बेहतर दिखा सके, इसका भी पूरी कोशिश की गई है। जी, तो बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश की गई है, और आप जब मेला क्षेत्र में आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह एक ऐसे कैंप बनाए गए हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये प्रयागराज क्षेत्र क्या है, कुंभ का मेला क्या है। तो अभिलाषा जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है और क्या कुछ तैयारियां अभी भी चल रही हैं। आप आइए इस कुंभ मेले में, इस कुंभ मेले की भव्यता को देखिए, दिव्यता को देखिए, और अपने जीवन को सफल बनाइए। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जय पारस चैनल।